हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपम सोनी। स्वागत है मेरे चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज अपन स्विफ्ट डिज़ायर का कूलेंट चेंज करना सीखेंगे। उसके अलावा कूलेंट के क्या फ़ायदे हैं, गाड़ी में रेडिएटर में पानी डालने से क्या होता है, ये सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। गाइस, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं कूलेंट के फ़ायदे बताता हूँ आपको। यदि गाइस अपन कूलेंट डालते हैं रेडिएटर में, तो रेडिएटर सबसे पहली बात जंक नहीं खाता है कभी। दूसरी बात, उसका थर्मोस्टेट बल्ब कभी अफेक्ट नहीं होता है। यदि हम उसके अलावा, कई लोग पानी डालते हैं, यदि हम उसमें पानी डालेंगे तो रेडिएटर की लाइफ कम होगी, इंजन ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं है कि पानी ठंडा नहीं करता, पानी ठंडा करता है, पर पानी से क्या होता है, जंक होता है। जंक क्रिएट होने के बाद उसमें क्या है, ब्लॉकेज चालू होता है, जिससे थर्मोस्टेट बल्ब में अफेक्ट पड़ता है। तो हमें कभी पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। जो रेशो होता है कूलेंट के साथ बैटरी पानी का, 1:4 होता है। 1 लीटर कूलेंट के साथ 4 लीटर बैटरी पानी डाला जाता है। हम स्विफ्ट डिज़ायर का आज कूलेंट चेंज करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, स्विफ्ट डिज़ायर का कूलेंट कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले इसके नीचे का बोनट का नट खोलते हैं, रेडिएटर बोनट का। गाइस, इसमें पहले बैटरी वाटर डालते हैं थोड़ा सा, फिर बैटरी वाटर में कूलेंट मिक्स करते हैं कि प्रॉपर मिक्स हो जाए। ये इसलिए कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट कंसंट्रेट ना जाए, इसमें प्रॉपर मिक्स होके अंदर रेडिएटर में जाए। प्रॉपर मिक्स कर रहे हैं इसको। इसके बाद वो वॉक पे हम कूलेंट डाल रहे हैं। गाइस, स्विफ्ट डिज़ायर में 5 लीटर कूलेंट लगता है, जिसमें 1 लीटर कूलेंट 4 लीटर बैटरी वाटर डाली जाती है। ये हम पाइप इसलिए दबा रहे हैं, जैसे एयर आ जाता है तो उससे एयर निकल जाती है, तो प्रॉपर कूलेंट अंदर रेडिएटर में चला जाता है। गाइस, हम इसको गाड़ी चालू कर रहे हैं, जो बीच में एयर आ गई होगी रेडिएटर में, वो एयर ख़त्म हो जाती है, पूरा कूलिंग रेडिएटर में चला जाता है।
यदि गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।